दोस्तों एटीएम में पैसे लोड कैसे किए जाते हैं, चलो हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों जिस भी बैंक का एटीएम होता है उस बैंक के एटीएम इंजीनियर के पास एक खास तरह का एटीएम कार्ड और उस कार्ड का एक खास तरह का पासवर्ड भी होता है। जब एटीएम में पैसे लोड करने होते हैं तब एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालना होता है। उसके बाद एटीएम सर्वर एटीएम इंजीनियर को एक स्लिप प्रोवाइड करता है। उस स्लिप में एटीएम का कैश डिटेल्स होती है। उसके बाद जो भी नोट्स ऐड करने होते हैं उसकी डिटेल्स एटीएम मशीन के आउटपुट में ऐड करनी होती है। उसके बाद एटीएम मशीन का एक अलग यूनिक पासवर्ड होता है जिसे टाइप करने के बाद एटीएम मशीन अनलॉक हो जाती है और जिस तरह के नोट ऐड करने होते हैं इंजीनियर ऐड कर देता है।